हाय, सबसे पहले तो हम अपने उन कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे जिन्होंने अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड के पेपर को निकाल लिया है लोअर डिविजनल क्लर्क के, और अब उनका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो जिनका भी पेपर निकला है उन्हें किस तरह से इस स्किल टेस्ट में जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या टॉपिक हैं जो आपके स्किल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कॉल लेटर है यहाँ पे एक कैंडिडेट का हमारे, जिनका सिलेक्शन हुआ है अयोध्या के कैंटोनमेंट बोर्ड में लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको स्टेशन हेडक्वार्टर अयोध्या कैंट पहुँचना है 18 सितंबर को 8 बजे, ठीक है, और 9 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। तो आपको वो वाला डायलॉग तो याद होगा ही कि जिंदगी में अगर कुछ करना चाहता है तो 9 बजे, 9:30 बजे यहाँ पहुँच जाना। तो उसी तरह से जो है 8 बजे जो है आप सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच जाइएगा 18 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद लिखा है यू विल बी इन द पोजिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे के सारे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, चाहे आपका एड्रेस प्रूफ हो, चाहे वो आपका स्कूल के सर्टिफिकेट हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के हो, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ये 3 पॉइंट है जिसके बेसिस पे ये पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले या तो आपको 35 वर्ड पर मिनट का कंप्यूटर के ऊपर, टाइपराइटर नहीं, कंप्यूटर के ऊपर इंग्लिश में या फिर हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, और देख लो और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, ठीक है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अब ये कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग किस पे होगी, मैं आपको बताऊं लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में जो टाइपिंग होती है वो होती है एक टाइपिंग मास्टर नाम का, टाइप मास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, उसके ऊपर होती है लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में। लेकिन अयोध्या कैंटोनमेंट बोर्ड में हो सकता है वो MS पे भी करवा दे, ठीक है, MS ऑफिस पे भी करा दे। टाइपिंग अगर आपकी टाइप मास्टर पे होगी तो सामने सामने कंटेंट लिखा होगा और नीचे जो है आपके सामने एक पैराग्राफ होगा। अब देखो टाइप मास्टर पे अगर टाइपिंग होती है उसको निकालने का तरीका ये है कि आप लोगों ने जितनी भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है अभी से, तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टाइप मास्टर नाम का फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, एकदम फ्री आता है। वही सॉफ्टवेयर अगर आपको वहाँ पे मिल गया मान लो हूबहू, तो हो सकता है उसी में का आपको एक पैराग्राफ मिल जाए जिसकी प्रैक्टिस आपने घर पे पहले ही से कर रखी है, ठीक है, और वही आपको यहाँ पे टाइप करने को मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर में आपको बता दूँ एक दिक्कत ये आती है कि अगर मेरा नाम है, आपको टाइप करना है AKSHEY, तो जैसे ही आप A लिखेंगे तो बाकी के जो अक्षर हैं जो ऊपर लिखे हैं वो अपने आप जो है टूट के अलग हो जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी आप उस पर टाइपिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एक मैटर अपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल अपने सामने रख लीजिए और उसको कंप्यूटर पे अपने सामने टाइप करिए, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल आपकी नज़रें यहाँ पे, हाथ यहाँ पे, उसको टाइप करके देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी टाइपिंग की पूरी बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट नहीं हो पाती, कोई दिक्कत आती है, तो आप तुरंत उनसे जो कैंटोनमेंट बोर्ड में जो भी अधिकारी हैं, जो भी आपका पेपर देख रहे हैं, उनसे एक बार फिर से मौका मांग लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि सर देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से आपको मौका देंगे। अगर आप सच्चाई से मौका मांगोगे तो कहिएगा सर मुझे एक मौका और दे दीजिए, एक बार मैं फिर से कर लेता हूं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके टेंशन और एंजाइटी लेवल को थोड़ा सा कम करके आराम से टाइपिंग दीजिएगा, ठीक है, एकदम आराम से दीजिएगा, ये सोच के दीजिएगा बस अब नौकरी मेरी है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है आपका एडुकेट नॉलेज इन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। हो सकता है कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो, ठीक है, इंटरव्यू हो सकता है, यहाँ पे रिटर्न तो आपका हो सकता है, हो चुका है, हो सकता है कि आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर इंटरव्यू हो, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसकी तैयारी आपने करी ली होगी, हमने आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे हुए हैं, तो उससे आप ना अपनी अच्छी तैयारी कर लेना। लेटेस्ट वाला पूछेंगे G20 तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, G20 के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, इसके बारे में भी लेटेस्ट पूछा जा सकता है। फिर देखिए सबसे बड़ी बात आती है ऐसे राइटिंग पे। अब देखिए ऐसे राइटिंग में आपको इंग्लिश में ही ऐसे दिया जाएगा और मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे आप ऐसे राइटिंग को 100% निकाल लोगे, जो भी आपका ऐसे चेक करेगा उसको बहुत बढ़िया आपका इंटरेस्ट आएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। देखिए क्या टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक देखिए आपको इंटरनेट के ऊपर दिया जा सकता है टॉपिक, इंटरनेट, और इंटरनेट में AI के ऊपर पढ़ लेना, ठीक है, AI के ऊपर थोड़ा सा एक आर्टिकल पढ़ लेना कि इसकी क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आजकल क्या हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो एकदम ये चीज़ लिख के आना, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको दिया जा सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर आपको टॉपिक दिया जा सकता है, पर्यावरण के ऊपर, ठीक है। और तीसरा टॉपिक आपको दिया जा सकता है मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी पे, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पे,
तो नेशनल सिक्योरिटी से जहां तक है कम पूछा जाएगा, आपका एनवायरमेंट या इंटरनेट के ऊपर ज्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बढ़िया सा अपना एसे तैयार कर लीजिएगा, 120 से लेके 250 वर्ड्स तक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करके जाइएगा 120 से 250 वर्ड की। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये है एग्जाम को बढ़िया लिखने की, पास करने की, आपको कोई भी टॉपिक आए, अगर ये तीन टॉपिक आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना। मान लो ये तीन टॉपिक नहीं आते, कोई भी टॉपिक आ जाता है, एक्स वाई जेड कुछ भी टॉपिक आ जाता है, घुमा फिरा के आप ले आना आर्मी के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर और सेना के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, कि इनका क्या रोल है, जो भी टॉपिक है। अब इस दुनिया में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें आर्मी का रोल ना हो, ठीक है। घुमा फिरा के इनके ऊपर अच्छा अच्छा लिख देना, ठीक है। जितने भी इनके अच्छे काम है, सारे ही काम इनके अच्छे होते हैं, तो इनके ऊपर आप लिख देना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नो बोर्डिंग लॉजिंग, ये सब आपको नहीं दिया जाएगा, आप अपने पैसों अपने खर्च पर जाएंगे। इट इज़ एडवाइस टू ब्रिंग योर आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई और आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट इन ओरिजिनल वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यू शुड बी इन पोजिशन ऑफ, आपके पास होना चाहिए क्या, आपका कॉल लेटर होना चाहिए, जो भी कॉल लेटर, जैसे कि ये वाला कॉल लेटर जो मिला जिसके ऊपर ओरिजिनल साइन है, इसका फोटो कॉपी नहीं चलेगा। जैसे ये ओरिजिनल कॉल लेटर है जिससे हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसी तरह का ओरिजिनल कॉल लेटर जो भी आपके पास आया है आपको वो लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पेपर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि हमारे ही स्टूडेंट का हर बार की तरह सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट सारे ही स्टूडेंट को जिन्होंने भी इस एग्जाम को क्रैक करा है, और बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए, बहुत अच्छे से अपना स्किल टेस्ट दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अपने स्टूडियो में बुला के आपको सम्मानित करें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।